जूही राजावत जुड़ चुकी हैं, वो अभी प्रेजेंट टाइम में तैयारी कराती हैं और लगातार वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, उन तमाम बेटियों का सपना साकार करने के लिए एक संकल्प के साथ खड़ी हैं आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सारी बेटियाँ मन लगा कर पढ़ें, और मैं दीपेंद्र सर के साथ ही बच्चों को पढ़ाती हूँ और उन्हें मतलब लगातार ऐसे बोलती हूँ कि मतलब जो चाहते हो आप वो करके दिखाओ। अगर आप PSC में जाना चाहते हो तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, हम लोग पूरा सहयोग देते हैं उन लोगों को पढ़ाने में। अगर कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है तो हम उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि इनको ये हो सकता है, इनको कराना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी बेटियां हैं बेटे हैं सब मन लगा कर पढ़ें और अपना जो टारगेट है आपका जो लक्ष्य है उसको पाकर ही दम लें, भले ही उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े। हालांकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ सरकारी नौकरी के लिए, प्रयासरत हूँ, देखते हैं अब कब होता है। क्या सपना है आपका? मेरा सपना केवल टीचर बनने का है और मैं उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रही हूँ। टीचर क्यों बनना चाहती हूँ? टीचर क्योंकि मैं उन प्रतिभाओं को निकालना चाहती हूँ तो जो बाकी उस चीज के लिए हैं बने हैं, क्योंकि एक टीचर ही उस चीज को निकाल सकता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं टीचर बनके अपने समाज को अपने गांव को और निखारना चाहती हूँ। लोग गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं और आप गांव में ही? आप क्योंकि मैं जिस गांव से मैं रहती हूँ उस गांव में इतनी प्रतिभाएं हैं तो मुझे वो शहर में नहीं दिखता जो मुझे गांव में दिखता है। गांव के लोग इतने मेहनती इतने ईमानदार होते हैं, मेरे गांव में भी हैं, तो मैं बस गांव की तरफ ही आना चाहती हूँ शहरों से हटके। हाँ, गांव में अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में। काश जिस प्रकार से आज इनकी सोच है, ऐसी सोच मध्य प्रदेश के भारत जिस प्रकार से गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, अगर इन बेटियों की तरह भारत वर्ष की बेटियों को ये एहसास हो जाए कि हम गांव में एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, गांव में हम सपने साकार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत हो जाएगा। ये चैनल पसंद है हमारा इंटरव्यू, आपने जिस प्रकार से देखा है, यदि आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर इसलिए कीजिए ताकि वो गांव में रहने वाली बेटियां जो खेतों में काम करती हैं उनके सपने टूट रहे हैं, तो उनके सपने टूटने से बचें। तो देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ, नमस्कार।